आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिलासपुर को भू माफियाओं की राजधानी बताया और राजस्व विभाग में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी जमीन को बेचने और अवैध कब्जे के मामले के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। निश्चित तौर पे 1928 था, उसके बाद जो अलॉटमेंट हुआ है उसको घटा के कितना रकबा है, कहां कहां है, किसका कब्जा है, पूरे प्रदेश में इसका सर्वे होना चाहिए। जिसके जो शासकीय संपत्ति है, शासन जब अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकती तो नागरिकों की संपत्ति की क्या रक्षा करेगी।